विटामिन सर मिनरल सर, परंतु धीरे धीरे हम इसका उपयोग कम करते गए और बाजार की वस्तुओं पर आश्रित हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इनका उत्पादन जो है वो घट गया, जबकि इन वस्तुओं का इन अन्न का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुमंडल स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफी सारे लोगों को उसका प्रदर्शन करके दिखाया गया है कि मार्केट में जो केक मिलता है वही केक इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि हमारी सेविकाएं यहाँ सबको का केक बना के रहे और वो केक मार्केट के केक से भी बेहतरीन टेस्ट है। महुआ जैसा गुणकारी जो औषधि के रूप में काम करता है, उसका पुआ हलवा दूध के साथ साथ मिला के उसका पुआ बना के लेके आई थी, हम लोगों ने उसका टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बाजरे का लड्डू, महुआ का हलवा और जितने भी हमारे चीना का आपको खीर, बेसिकली चीना का खीर तो हमको लगता है कि गांव के लोग जो नया जनरेशन के लोग हैं उसमें भी नहीं, और इतना टेस्टी लगा कि हम लोग को पूरा सब चीज़ का आनंद भी उठाए और काफ़ी उनको प्रोत्साहित भी किया गया है। तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो अन्न श्री से संबंधित था, अन्न श्री का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे लोग अन्न श्री की ओर पुनः लौटे और किसान कैसे उसका उत्पादन, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में हमारी सभी सीबीटीओ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कार्यक्रम को संजोया संवारा और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाई, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो भी सेविकाएँ यहाँ आई हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि प्रत्येक घर में जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध है वो उनको मिले, और इसी कड़ी में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाते हुए भोजन को जागरूक करने का कार्यक्रम यह आयोजित किया और अपने आंगनबाड़ी के माध्यम से किशोरियों धात्री महिलाओं और अन्य महिलाओं को भी इसकी जानकारी आप दे रही हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में मनोयोग से जुड़े हुए हैं तथा तो सरकार की मंशा को, सरकार की नीतियों को लागू करते हुए समाज में सही पोषण प्राप्त हो इस दिशा में आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे बाल विकास परियोजना का जो हमारा जितना भी कार्यालय है सभी कार्यालय के प्रधान समितियों को और एलएस को और सभी सेविकाओं को मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से लोगों के बीच इसे चीज को पहुँचाया है। इसके अतिरिक्त मैं आज बच्चों से भी मिला और ये बच्चे बिल्कुल, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रबसी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है जहां आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा अनुमंडल स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया गया है। इस पोषण मेले का उद्घाटन बिक्रमगंज एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल और डीसीएलआर अविनाश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया है और इस मेले में सेविकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के रेसिपी को तैयार कर स्टॉल लगाया गया जिसे बारी बारी एसडीएम व डीसीएलआर ने सभी स्टॉल पर घूमते हुए सभी प्रकार की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल की और उन सभी रेसिपी से होने वाले फायदे के बारे में भी बताया।
तो वही विक्रमगंज प्रखंड के एक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे ने खेल कूद के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया है। सेविकाओं के द्वारा तैयार किए गए रेसिपी को खाकर अधिकारियों ने सेविकाओं का काफी सराहना किया। अंत में SDM के द्वारा सेविका और महिला पर्यवेक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो वही CDPO व सेविकाओं के द्वारा भी SDM उपेंद्र कुमार पाल को पौधे व अन्य वस्तु देकर सम्मानित किया गया। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यही तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।